फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 28 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है चेन्नई सिक्सर्स और 20 हीट के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 4 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 12:35 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मेलबर्न नॉर्थ सिडनी ओवल ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो जहां 5 मैच में 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम बीसमैन हिट की बात करें तो 5 मैच में 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। तो गाइज यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में सिडनी सिक्सर आगे चल रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो जहाँ 7 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं बीसमैन हिट 3 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पर हेड टू हेड में भी सिडनी सिक्सर आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फैन, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो सिडनी सिक्सर का जहां 50% है, तो वहीं बीसमैन हिट का 20% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 142 है, तो वहीं बीसमैन हिट का 150 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 209 है, तो वहीं बीसमैन हिट का 224 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 92 है, तो वहीं बीसमैन हिट का 90 है। तो ये नहीं दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी, तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 23.3 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 85% रहेगी, वहीं 16% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं पिच की ओर। तो यह इस पिच पे बिग बैश का फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, जो अभी तक इस पिच का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इस पिच पे देखें तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग कितना बन सकता है, तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग 155 तक जा सकती है। वहीं अगर इस पिच पे देखें, अगर जो भी टीम टॉस जीत के अगर बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। इस पिच पे काफ़ी अच्छे मैच डिफेंड हो सकते हैं। वहीं बॉलिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर रन चेस करना काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है इस पिच पे। तो गाइस फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा इस पिच पे, जो काफ़ी जबरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। पिच की रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, मीन्स टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या है, तो पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। स्टार्टअप से देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही थी, वहीं फिर बैक टू बैक मैच अपना जीत कर आ रही है काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। दूसरी टीम बीसमैन हिट की बात करें तो नो डाउट वो भी काफ़ी अच्छी टीम है, बट स्टार्टिंग की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा था। बट इधर पिछली मैच देखें तो पिछले मैच काफ़ी अच्छे टॉस जीत के बैटिंग की, वहीं काफ़ी अच्छे रन स्कोर भी बनाए और मैच जीत के आ रही है। तो कुछ यहाँ पर बीसमैन हिट में चेंजेस देखने को मिल रही है, काफ़ी अपने आप को परफॉर्मेंस में ला रही है। दोनों के बीच में मैच काफ़ी अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर के की प्लेयर की बात करें तो जॉस फिलिप, जेम्स विंस, जॉर्डन सिल्क, मिके एडवर्ड्स। वहीं दूसरी टीम बीसमैन हिट के की प्लेयर की बात करें तो सैम बिलिंग्स, कॉलिन मुनरो, जेम्स बैडली, जॉस ब्राउन, ये रहे दोनों को टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। या तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए बीसमैन हिट हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।